मुझे वही गाने बनाने होते हैं जो लोग पसंद करें, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। अमर सिंह चमकीला, जितनी चमक उसके नाम में थी उतनी ही चमक उसके काम और संगीत में थी, पर उसका यही संगीत उसके लिए बदनामी का कारण भी बना और उसकी मौत का भी। चमकीला जाना तो जाता था अपने अश्लील गानों में लिखे हुए शब्दों के लिए, जहां औरतों को सिर्फ एक मनोरंजन और इस्तेमाल का सामान के रूप में पेश किया जाता था। तो क्या इन गानों के लिए या फिर चमकीले की इस चमक के लिए सिर्फ चमकीला जिम्मेदार था या हमारा समाज भी? क्योंकि सिर्फ गाने तो चमकीला गाता था पर लोग तो उनको सुनते भी थे। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने ऐसे ही कंट्रोवर्शियल इंसान के ऊपर एक नई मूवी बनाई है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला, जो बायोपिक है और रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पुनीत, स्वागत करता हूं आप सबका शो फिल्मी है पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं रिव्यू को। अमर सिंह चमकीला, ये मूवी एक ऐसे टॉपिक को टच करती है जिसके ऊपर हम कभी बात भी नहीं करना चाहते, और वो टॉपिक है अश्लीलता गानों में। तो क्या सिर्फ और सिर्फ चमकीला जिम्मेदार था इन गानों के लिए या हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार था? ये मूवी कहीं ना कहीं सोसाइटी को चैलेंज करती है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए या सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ चमकीला ही जिम्मेदार नहीं था उसकी इस चमक के लिए, सोसाइटी भी उतनी ही जिम्मेदार थी क्योंकि वो भी उसके उन गानों को सुनती थी, पसंद करती थी और सोसाइटी भी उतनी ही उसकी मुरीद भी थी। पंजाब में ये आर्टिस्ट सबसे ज्यादा सेल करने वाला आर्टिस्ट बना अपने रिकॉर्ड्स का। मूवी की स्टार्टिंग ही होती है चमकीला और उसकी वाइफ अमरजीत कौर के मर्डर के साथ, और पूरी मूवी चली जाती है फिर फ्लैशबैक में, जहां चमकीले का बचपन और उसके स्ट्रगल और गरीबी की गुर्बत को दिखाते हैं और फिर वो कैसे स्टार बनता है ये सब दिखाया है पूरी मूवी के अंदर। जब चमकीला स्टार बन जाता है तो वही उसके पुराने दोस्त, समाज के ठेकेदार और पंजाब में उस टाइम फैला हुआ चरम पर जो आतंकवाद था कैसे उसके लिए नासूर बन जाता है कि महज 27 साल की उम्र में उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये बात तो है कि चमकीले के गानों में जबरदस्त तरीके से अश्लीलता होती थी, पर क्या वो निजी जिंदगी में भी उतना ही अश्लील इंसान था या नहीं? इस बात को डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मूवी में प्रेजेंट किया है और दिखाया भी है, और ऑडियंस के ऊपर ये छोड़ दिया है कि वो खुद डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत। खैर, चमकीले के अश्लील गानों के ऊपर तो काफी लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है कि क्या सही है और क्या गलत। खैर, बात कर अगर क्रिएटिविटी और मूवी के ऊपर तो मूवी काफी अच्छी है, काफी रिसर्च की है इम्तियाज अली और उनके भाई साजिद अली ने इस मूवी की मेकिंग में। मूवी की टोटल लेंथ है लगभग 2 घंटे 45 मिनट की, पर मूवी आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करती है और बांध कर रखती है, क्योंकि मूवी के अंदर बीच बीच में गानों का जो यूज किया गया है वो आपको कहीं भी बोर नहीं होने देते। आपको फोक सॉन्ग सुनने को मिलेंगे। अभी तक जितनी बायोपिक मूवी बनी है इस मूवी का फॉर्मेट टोटल अलग है। ये मूवी आपको फिल्म और डॉक्यूमेंट्री दोनों के बीच का एहसास कराएंगी। मूवी के लीड एक्टर हैं सिंगर दिलजीत दोसांझ, जो कि खुद ऑलरेडी एक सिंगर हैं पंजाबी, और इस बात को कहने में कहीं कोई डाउट नहीं है कि डायरेक्टर इम्तियाज अली ने दिलजीत को कास्ट कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो फोक सॉन्ग भी गाते हैं, वेस्टर्न भी गाते हैं, रैप भी गाते हैं, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस इस मूवी में दी है एज अ सिंगर वो ऑन स्क्रीन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक लगती है। एज अ सिंगर जो एटीट्यूड, जो बॉडी लैंग्वेज या जो परफॉर्मेंस ऑन स्टेज चाहिए होती है एक सिंगर से, वो दिलजीत ने बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर की है। और जो दूसरी लीड एक्टर हैं वो खुद भी पंजाबी हैं, और वो हैं परिणीति चोपड़ा, जो रोल प्ले कर रही हैं चमकीले की वाइफ का, और परिणीति चोपड़ा रोल प्ले कर रही हैं अमरजोत कौर का, जो कि वाइफ बनी है चमकीले की, जो कि सिंगर भी हैं, परफॉर्मर भी हैं और जो स्टेज शेयर करती हैं चमकीले के साथ। परिणीति चोपड़ा के रोल और उनकी एक्टिंग के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि विजुअली ऑन स्क्रीन तो वो काफी अपीलिंग लगी हैं। जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया अमरजोत का वो बिल्कुल हूहू वैसी लगती हैं, पर एक्टिंग और डायलॉग्स की बात करें तो डायलॉग्स उनके काफी कम थे और एक्टिंग ठीक थी, क्योंकि जब डायलॉग्स कम थे तो उनको परफॉर्म भी कम ही करना पड़ा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परिणीति ने जितना काम किया वो ठीक ठाक था। इस मूवी के 3 हीरो हैं। अब आप सोचने लगेंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ ऑन स्क्रीन दिलजीत परफॉर्म कर रहे थे तो बैक कैमरा इम्तियाज अली परफॉर्म कर रहे थे, तो वहीं बात करें अगर म्यूजिक की तो म्यूजिक भी इस मूवी का बहुत बड़ा हीरो है, और म्यूजिक कंपोज किया है
ए आर रहमान ने, डायरेक्टर इम्तियाज अली और ए आर रहमान का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। और हमने इन दोनों को इससे पहले देखा था रणवीर कपूर की मूवी रॉक स्टार में, जहाँ ए आर रहमान और इम्तियाज अली ने मैजिक क्रिएट किया था। तो वहीं वैसा ही मैजिक क्रिएट किया है उन्होंने इस बार भी, और ए आर रहमान सर से तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी और इस बार उन्होंने नो डाउट लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया। एक एक गाना मूवी का बेहतरीन है, कोई भी मूवी हो और डायरेक्टर इम्तियाज अली का नाम अगर उससे जुड़ जाए तो उस मूवी का म्यूजिक तो सुपरहिट होना बनता है, और उनके साथ अगर डायरेक्टर ए आर रहमान जुड़ जाए तो फिर क्या बात है, उस मूवी में तो लग जाते हैं चार चांद। फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर हों या एक्ट्रेस हों, उनके कमबैक के बारे में तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, पर ये पहली बार होगा फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कि किसी डायरेक्टर का कमबैक हुआ है और कमबैक इतना म्यूजिकली और इतना बेहतरीन हुआ है कि देखते ही बनता है। मूवी बहुत अच्छी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल तो इस मूवी के लिए यही कहूँगा कि एक अलग सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, पर ऑन स्क्रीन उस टॉपिक को लाकर लोगों के सामने रखा गया है। अच्छी एक्टिंग है, अच्छा म्यूजिक है, अच्छी रिसर्च है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस मूवी को जरूर देखें और फिर खुद डिसाइड करें। मेरी तरफ से मैं दूंगा इस मूवी को 8 stars out of 10। रिव्यू आपको कैसा लगा आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।